नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज से। इस वक्त बड़ी जानकारी, वाराणसी से ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी से जुड़ा मामला। जिला जज एके विश्वेश की अदालत में सुनवाई आज। हिंदू पक्ष की सुनवाई हो चुकी है पूरी, मुस्लिम पक्ष के अभिवक्ता आज अपनी आपत्ति देंगे। वहीं आपको बता दें, केस की पोषणीयता पर हो रही है बहस। दोपहर लगभग 2 बजे ये बहस शुरू होगी। तो वाराणसी से खबर, जहां ज्ञानवापी पर आज दोबारा सुनवाई होगी। जिला जज एके विश्वेश की अध्यक्षता में ये सुनवाई होगी और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रखी है। तो वाराणसी से खबर, हिंदू पक्ष की सुनवाई पूरी हो चुकी है। आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता आज देंगे आपत्ति। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, केस की पोषणीयता पर बहस हो रही है कि केस यदि सुनने लायक है या नहीं, इस पर चर्चा होगी। दोपहर लगभग 2 बजे ये चर्चा शुरू होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी वाराणसी से आ रही है, जहां आज जिला जज एके विश्वेश की अदालत में सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, केस की पोषणीयता पर बहस होनी है। ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी के लिए आज दोबारा सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी में आज सुनवाई जिला जज एके विश्वेश की अदालत में सुनवाई होगी। लगातार इस पर कई दिनों से सुनवाई हो रही है और अब बता दें आपको, हिंदू पक्ष की सुनवाई हो चुकी है पूरी। जमील अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। जमील, आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ सुनवाई में नजर आ सकता है। देखिए, बिल्कुल बता दूं कि ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी का जो मामला चल रहा है, जिसमें से 5 महिलाओं ने वाद दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। इसकी को लेकर लगातार तारीख पर तारीख पढ़ते रहे और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभिनाथ यादव लगातार ये केस की पुष्णीयता को लेकर बातचीत की, यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत उन्होंने बात की, तमाम उन्होंने दलीलें दी और लीगल पॉइंट भी देखे। और उसके बाद हिंदू पक्ष ने काउंटर को देते हुए जवाब दिया। जो राकेश सिंह के अधिवक्ता शिवम गौंड ने तमाम बातें रखी और उन्होंने 300 पेज के एक लीगल पॉइंट भी रखे और लीगल पॉइंट को ही उन्होंने पिछले तारीख 21 जुलाई को मुकम्मल कर लिया था। और आज मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की जो अधिवक्ता है अभिनाथ यादव, एक बार पुनः उन्हें जवाब का जवाब यानी कि रीज्वाइंडर का मौका मिलेगा और वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद फिर तय होगा कि क्या वाकई में अदालत अब इस केस को सुनने योग्य है या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से 1991 में ये एक्ट बनाया गया था, उसी को लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार ये बात कर रहा है कि ये केस सुनने योग्य नहीं है, ये खारिज हो जानी चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार बातचीत चले थे और आज एक बार फिर से मुस्लिम पक्षों का ये मान के चला जाए कि ये आखिरी मौका है और आखिरी मौके पर जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौंड ने अपनी बात रखी, उन बातों को लेकर किस तरीके से अपनी जवाब को देते हैं और जवाब देने के बाद फिर अदालत तय करेगा कि क्या वाकई में इस केस को सुना जाए या फिर इस केस को सुनने योग्य नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर आज पूरी निगाहें बनी रहेगी। जमील, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने भी बताया कि हिंदू पक्ष की बात पूरी हो चुकी है, मुस्लिम पक्ष के पास अब ये आखिरी मौका है, तो क्या ठोस चीजें आज वो जज के सामने रख सकते हैं? देखिए, मुस्लिम पक्ष एक महत्वपूर्ण चीजें उनके सामने बस वही है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 15 अगस्त 1947 के बाद जो मंदिर मस्जिद जहां भी है वो यथास्थिति बनी रहेगी, सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़कर। ये 1991 बनाया गया था और इसी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता पहुंचे और वहां पर उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला अदालत में ये केस को ट्रांसफर किया जाए और बाकायदा 7-11 जो रूल है उसकी सुनवाई डे बाय डे होती रही। लगातार मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभिनाथ यादव तमाम जो पॉइंट्स थे, लीगल पॉइंट्स 51 पॉइंट अपनी बात रखे और उस पॉइंट को रखने के बाद अभिनाथ यादव को सुनने के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता को सुना गया। हिंदू पक्ष ने कहा कि हम उस संपत्ति को, उस परिसर को मांग नहीं रहे, हमारी जो मांगे हैं, जो 5 महिला जो वादी महिलाएं थे उनका सिर्फ मांग है कि जो नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए और हम सिर्फ ये मांग रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि जो विश्वनाथ ट्रस्ट अधिनियम है या फिर वक्फ बोर्ड अधिनियम हो या फिर उपासना अधिनियम, जो इन तमाम मुद्दों का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि हम पूजा अर्चना के नियमित का जो मांग कर रहे हैं वो मांग रहे हैं और इसलिए हमारा शायद जो केस है वो सुनने योग्य है और अदालत को इस केस को सुनना चाहिए। जमील, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये जो बहस है, आज ये पूरी चीजें हैं, ये कब शुरू होंगी? देखिए, अमूमन 2 बजे के बाद ही सुनने अदालत सुनती है और आज भी यही होगा कि अदालत 2 बजे के बाद उन तमाम जो अधिवक्ता हैं उनको अदालत के सामने जाएंगे और अपनी बात को शुरू करेंगे। हालांकि महत्वपूर्ण चीज होता है कि जो पिछले तारीख जो 21 जुलाई थी वो थोड़े से लेट हुआ, लगभग 3 बजे से
केस की सुनवाई हुई थी और आज फिर एक बार 2 बजे यानी कि लगातार जो 2 बजे की प्रक्रिया रही है कि अदालत ज्ञान माफी सिंगार गौरी का जो मामला चल रहा है वो 2 बजे से ही सुनती आ रही है और आज भी उसी समय पर मुकर्रर किया गया और अदालत में सामने तमाम जो अधिवक्ता पक्ष विपक्ष के अधिवक्ता वो पहुंचेंगे और मुस्लिम पक्ष अपनी बात एक बार पुनः रखेंगे और उसके बाद अदालत तय करेगी कि क्या वाकई में इस केस की पूछनीयता है या फिर नहीं। जमील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार बहुत चीजों की मांग की गई, जैसे कार्बन डेटिंग हो गई और चीजें पूजा अर्चना की मांग की गई, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि पहले भी कोर्ट कई चीजें खारिज कर चुका है और कह चुका है कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है, तो क्या अब ये लगता है कि आज ये केस सुनने के बाद जज कई चीजों पर अपनी टिप्पणी देंगे, लेकिन क्या पूजा अर्चना के लिए अलाउ करना अभी जज के लिए सही है या फिर आज अलाउ हो सकता है, ऐसी कुछ जानकारी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो 7-11 रूल है और इसी रूल को लेकर ही बातचीत अभी चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो जिला अदालत में ये मामले चल रहे हैं 7-11 जो रूल है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसके तहत जो सुनवाई चले ये सुनने योग्य होगा तो फिर आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो मुस्लिम पक्ष के लगातार अधिवक्ता अभिनाथ यादव कह रहे हैं कि ये केस सुनने योग्य नहीं है, केस की पूछनीयता नहीं है, केस मेंटलेबल नहीं है, इन तमाम चीजों को लेकर अदालत के सामने भी बात रख रहे हैं। आप देखना होगा कि केस अगर सुनने योग्य होगा तो आगे की प्रक्रिया तय होगी, अगर से केस सुनने योग्य नहीं होगा तो फिर हो सकता है कि आगे लोग हाई कोर्ट तक जाएं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता पहुंचे थे, उनका यही मानना था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो ये मुकदमा खारिज हो जाने चाहिए, इस मुकदमे सुनने योग्य नहीं है। चलिए जमील, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया।